हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इसराइल अंसारी, आप लोग तो देखा होगा मुझे टिकटॉक पे। इजय भाई, आप बड़े फेमस चेहरे हो गए हैं, तो कैसे आपने टिकटॉक ज्वाइन किया, कैसे समझ में आया और आपको टिकटॉक ने कैसे हाइप किया, इसके बारे में कुछ बताइए। बस मेरा दोस्त एक था, उसकी शादी थी, शादी में गए हुए थे तो वहाँ पे कुछ लोग म्यूजिक अली चलाते थे। तो वो बंदा जो मेरे साथ रहता था उसने अपनी 4-5 वीडियो डाला था आईडी में, तो हमने देखा ये सब वीडियो कैसे डाले, बोल रहा है भाई इस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो हमने सोचा हम भी डाउनलोडिंग कर लेंगे। हम आने के बाद गांव डाउनलोडिंग किए तो उस पर हम भी बनाना स्टार्ट कर दिए। 4 वीडियो डाले एक दिन में, उसमें से एक वीडियो निकल गई, वो एक दिन में 36,000 उस पर लाइक गई। तो इसी से लोग मुझे पसंद करके चले गए, यहाँ तक मैं पहुँचा। आपने कभी सोचा था कि टिकटॉक आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देगा? नहीं, ये सोच के किया था आपने? हमने सोचा नहीं था अभी तक कि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे और लोग इतना मुझे प्यार करेंगे, लोग मेरा इतना सपोर्ट करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, ये हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा, अब जो जब आप इतने बड़े स्टार बन गए हो, तो आपकी फैमिली आपको किस तरह से देखती है और आपके दोस्त आपको किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में? मेरी फैमिली तो मुझे इस तरह से देखती है कि मेरी फैमिली को बस महीने का 2-4-10 हज़ार रुपये चाहिए, मतलब घर का खर्चा मिलना चाहिए। अब वो मेरी वैल्यू नहीं समझते मेरी फैमिली कि मतलब आप यहाँ तक चले गए हो, इतना लोग तुम्हें क्या नाम गौर कर रहे हैं, इतना लोग तुम्हें पकड़ रहे हैं, ये अभी उन लोग नहीं समझे क्योंकि हमारे साथ कहीं गए नहीं, तो उन लोगों को मतलब है नहीं, मतलब चलाते भी नहीं मेरे घर वाले टिकटॉक। अच्छा, अभी आपकी लाइफ में कितना बदलाव आया है टिकटॉक के आने के बाद? आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो, तो अभी क्या बदलाव देखते हो अपनी लाइफ में और क्या आया है, आपने खुद में क्या चेंजेस आए? हमारे में तो चेंजेस ये आया, पहली बात जो मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ, मैं इतना बोल नहीं पाता था, और बाकी जो मेरी रूल हेयर स्टाइल सब नीचे से ऊपर तक बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया। कोई भी बंदा मिलता है, आप इसराइल भाई पहले से चेंज हो गए, आप एकदम हीरो लग रहे हो आप। अच्छा, सेकंड ये कि एक बार टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, तो उसके लिए आपने कुछ किया था, एप्लीकेशन डाली थी कि नहीं? डर लगा था कि मेरी फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी? उसके लिए तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं अब गया, मेरा तो जो पेट भर रहा था वो तो पेट अब फूट जाएगा, उसमें मुझे बहुत डर लगा था। लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि अब टिकटॉक बंद हो जाएगा, लोग कैसे अपना एंजॉय कर पाएंगे उस पर, और लोगों क्या नाम अपना मतलब जो अंदर की फीलिंग रहती थी यार, लोगों को कैसे दिखा पाएंगे, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद बैन हटने का ऑप्शन सुना तो मैं तो बहुत खुश हुआ, लोगों को भी बहुत खुश हुए, लोगों के बीच मैं बताया कि भाई टिकटॉक से बैन हट गया, आप लोग बिल्कुल इंजॉय करिए फुल। अच्छा, दूसरे ये कि आप, मैंने सुना है बिग बॉस में आप जाने वाले हो कुछ? हाँ, बिग बॉस में जाने वाले हैं, बस सोच रहे हैं, लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, लोगों का प्यार बहुत अच्छा है, ऊपर वाले की दुआ है कि बस लोगों का सपोर्ट रहे, ऊपर वाले का प्यार रहे, बिग बॉस में जा सकते हैं, बिल्कुल तैयारी उसी की हो रही है अभी। अच्छा, बॉलीवुड से आपको कहाँ कहाँ से आया है प्रोग्राम की, आपको कुछ काम मिला है अभी तक के, मिलने वाला है? बस अभी तो इस रमज़ान में बहुत सा काम रुका हुआ है, रमज़ान की वजह से इसराइल भाई काम बहुत, मतलब अभी तक कोई बताया नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं सोचा है कि रमज़ान बाद से जो भी करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑफर आया यहाँ से वहाँ से यहाँ से यहाँ से, बहुत ज़्यादा ऑफर आया। अच्छा, अभी आपकी क्या प्लानिंग है, बॉम्बे में आए हो आप, तो क्या प्लान करके आए हो, कुछ प्लानिंग तो होगी कि मेरे को ये करना है? मुंबई में इसलिए आए हैं कि मुंबई में एक आए बसने के लिए, मतलब एक यहीं पे कुछ करने के लिए, लोगों के साथ जुड़ के काम करने के लिए, लोगों के साथ प्यार करने के लिए, लोगों के साथ रहने के लिए और लोगों को खुश रखने के लिए मुंबई में आए हैं। लास्टली, अभी इलेक्शन हुआ तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे, मोदी जी सरकार बना रहे हैं? अब तो इलेक्शन के बारे में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन में जो भी जाता है, क्या लोग क्या कहते हैं, नेता लोग यही कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में या जनता, आने वाले टाइम में भैया वोट दे दो, भैया हमारे तरफ से रहो, आपको कितना चाहिए, 2 लाख 10 लाख, 2 पेटी 4 पेटी 20 पेटी, तो आने वाले टाइम में लोगों को लालची कराते हैं, क्या करते हैं, लालची करते हैं कि हमारे साथ हो जाए।